क्या आपको पता है डैटी टू से या डैश टू से क्या है, यानी आप कॉन्वर्सेशन के दौरान कब बोलेंगे डैटी टू से या डैश टू से। अगर आप इस बात को नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान कहना होता है यानी या कहने का मतलब है। तो जब कभी भी आप ऐसा वर्ड बोलें यानी या कहने का मतलब है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं दैट्स टू से या दैट इज टू से। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। कहने का मतलब है ये खाने पीने वाली चीजें मेहमानों के लिए हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स टू से दीज फूड आइटम्स आर फॉर गेस्ट्स, यानी कहने का मतलब है ये खाने पीने वाली चीजें मेहमानों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कहने का मतलब है के लिए मैंने बोला दैट्स टू से। अगर मेरा सेंटेंस ऐसा होता यानी ये खाने पीने वाली चीजें मेहमानों के लिए है तो यहाँ वर्ड यानी के लिए मैं कहता दैट्स टू से यानी दैट इज टू से। कहने का मतलब है आप बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं कार का नहीं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स टू से यू कैन यूज बाइक नॉट अ कार, यानी कहने का मतलब है आप बाइक का यूज कर सकते हैं कार का नहीं। कहने का मतलब है आप एक पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं कलम का नहीं। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स टू से यू कैन यूज अ पेंसिल नॉट अ पेन, यानी कहने का मतलब है कि आप एक पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं कलम का नहीं। कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स टू से आई कैन डू नथिंग फॉर यू, यानी कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, यानी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब है वह वही किया जो उसको अच्छा लगा या जो वह पसंद किया। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स टू से ही डिड व्हाट ही लाइक्ड, यानी कहने का मतलब है कि वह वही किया जो उसको अच्छा लगा या जो वह पसंद किया। कहने का मतलब है कि आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है। तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट्स टू से यू कैन डू व्हाट यू लाइक, यानी आप वो कर सकते हैं जो आपको पसंद है। कहने का मतलब है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दैट्स टू से यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपने सीखा कि दैट इज टू से का मतलब होता है यानी या कहने का मतलब है। हो सकता है कि आप सोचें क्या दैट इज टू से और दैट टू से अलग अलग है, तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, दोनों एक ही चीज है। दैट टू से दैट इज टू से का कॉन्ट्रक्शन है जो बहुत ज्यादा बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।